धीरे धीरे लाइन में खींच देता हूँ आपसे। 547 पीस है आनंद जी। राजस्व सूचना निदेशालय को इस बारे में जानकारी मिल रही थी कि कुछ तस्कर जो है भारतीय वन्य जीव अधिनियम के विपरीत जाकर एंडेंजर्ड स्पेसीज की तस्करी कर रहे हैं और बांग्लादेश के रास्ते साउथ ईस्ट कंट्रीज जैसे मलेशिया वगैरह में काफ़ी महंगे दामों में जो बिकता है इसका तस्करी का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्रम में एक सूचना दिनांक 1/11/2018 को मिली कि एक ट्रक HR 61C 3499 से कुछ कछुए की खाल की तस्करी जो है शिकोहाबाद से कलकत्ता ले जाया जा रहा है। तो हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई की और इस ट्रक को NH2 पर अखरी बाईपास के पास इसको रोका गया। तो उस ट्रक से केबिन से 2 बोरे कछुए की खाल बरामद हुई और उस में एक व्यक्ति मनीष कुमार जो उसके साथ लेके जा रहे थे जिसको किसी शिकोहाबाद के गजेंद्र सिंह ने उसको ये दिया था और कलकत्ता में एक आदमी को उसको रिसीव करना था। वहाँ से फिर वो बांग्लादेश के रास्ते मलेशिया थाईलैंड इन जगहों पर अवैध रूप से निर्यात किया जाता है। प्रतिबंधित एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है जिसका निर्यात कस्टम एक्ट के अंतर्गत भी प्रतिबंधित है और वन्य जीव अधिनियम जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंतर्गत भी इसका प्रतिबंध किया गया है। और इस संबंध में काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है और चूंकि मसला वाइल्ड लाइफ से संबंधित है इसलिए ये सारी कार्रवाई करने के बाद ये प्रकरण में व्यक्ति और सामान को वन्य जीव प्रभाग के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।